नमस्ते की ओर से आप सभी को नमस्ते, और नमस्ते के सारे अल्फाबेट्स को आप ध्यान से करें देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स आ जाते हैं, इसलिए आप सभी को नमस्ते की ओर से नमस्ते। ऑल इंडिया फर्स्ट नेशन राइटर्स कॉन्फ्रेंस के प्रायोजक झारखंडी भाषा संस्कृत भाषा साहित्य संस्कृति झारखंड और स्थानीय आयोजक अंजुमन ई तरफ की गुजरी अदा जम्मू कश्मीर, आप सभी मेरे आदरणीय हैं। और इस सत्र के अध्यक्ष महोदय और साथी वक्ता आप सभी को खुलूंखा अभिनंदन। मैं उस राज्य से आती हूं, पंकज सर से जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी, पंकज सर आप सबके प्रिय हैं सम्मानीय हैं, दिल्ली में मेरी मुलाकात 2016 में मेरी हुई थी। उन्होंने पूछा था मुझे कि बहन जी आपका परिचय क्या है, तो मैंने उन्हें हंसी मजाक में ये अपना परिचय दिया था, सर मैं नॉर्थ ईस्ट की हिडिंबा, क्योंकि भारतीय पीठकों ने भारतीय दर्शन में हमें हिडिंबा का ही परिचय मिला। और दुख के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि हिडिंबा और कोई नहीं थी, अहोम राजकुमारी थी, पर परिचय हमें हिडिंबा का ही मिला। और हिडिंबा के बारे में आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं त्रिपुरा की रहने वाली हूँ और त्रिपुरा राज्य की जनजाति भाषा और साहित्य का इतिहास क्या रहा है उसको मैं 5-6 मिनट में आपके सामने रखना चाहूंगी। और त्रिपुरा के बारे में एक ही वाक्य कहना चाहूंगी, 184 राजाओं का प्रिंसली स्टेट कहलाता था और है, लेकिन हमारा परिचय हमारा अस्तित्व हमारी अस्मिता आज सवालों के कटघरे में फंस कर रह गया है। कॉकब्रोक का इतिहास के बारे में अगर इतिहास के कुछ पन्नों को मैं पलटना चाहूंगी तो मैं यही कहूंगी 1987 में पहली रचना कॉकब्रोक भाषा में आई थी, लेकिन अंधेरी दुनिया में ऐसे गुम हो गई कि कॉकब्रोक समुदाय के लोगों को अपने समाज में शिक्षा की ज्योति जलाने के लिए और अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने ही राजा के खिलाफ खड़े होना पड़ा और 1945 में जन शिक्षा आंदोलन करना पड़ा। किसी के साथ हमें संघर्ष नहीं करना पड़ा। 184 राजा जनजाति राजा ही कहलाते हैं। और 15वीं शताब्दी से तो माणिक्य वंशज का शासन काल रहा है, जिसके राजकुमार उस पीढ़ी के अंतिम राजकुमार आज हमारे लीडर हैं, महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्य। हम उस राज्य से आते हैं, लेकिन उस राज्य का बहुत दर्दनाक इतिहास रहा है, जनजातियों के अस्तित्व को लेकर उसकी भाषा को लेकर। 1945 में जाकर हमें अपनी भाषा में और अपनी भाषा के बंगला में दे दो, अंग्रेजी में दे दो, किसी भी भाषा में दे दो, लेकिन हमें भी शिक्षा चाहिए, इस मांग के साथ हमें जनजाति शिक्षा आंदोलन करना पड़ा। और 1952 में जाकर हमें पहली बार स्कूल मिलता है। उस जनजाति की भाषा का कितना विकास होगा, उस जनजातीय समुदाय का कितना विकास होगा, यह हम सब कल्पना कर सकते हैं। लेकिन आज कॉकब्रोक भाषा इतने संघर्षों के बावजूद 2015 में यूनिवर्सिटी में उसे एक विभाग के रूप में इसका विभाग खोला गया, और 2015 में यूनिवर्सिटी में एक विभाग खोला गया, 2020 में जाकर कॉलेजेस में सब्जेक्ट एज एक सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन कॉकब्रोक
भाषी समुदाय के लोग कभी हार नहीं माने, भले ही सामने वाले ने हमें न पहचाना हो, भले ही उसने कभी भी एक साहित्य के रूप में हमारी भाषा को बहुत ऊपर तक वे स्थान देना न चाहते हो, लेकिन कॉर्पोरेट भाषा में लेखकों की कमी नहीं रही। साहित्य अकादमी ने उन्हें मंच दिया और विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के मंचों ने उसे मंच दिया है, इसलिए कॉर्पोरेट साहित्य जो है आज हम इस बात के लिए संघर्ष करते हैं कि हमें भी एक शेड्यूल में जगह दे दो। इस भाषा की अपनी लिपि नहीं है, दुर्भाग्य यही है कि शिक्षा ही 1945 के बाद हमें मिलनी शुरू हुई, तो हम किस भाषा में लिखें। पहले शिक्षा हमें बंगला में दी गई तो हमने बंगला में लिखना शुरू किया। 80 के दशक तक आते आते अंग्रेजी शिक्षा भी हमें मिलने लगी, तो नई पीढ़ी ने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया, तो अंग्रेजी और बंगला के बीच में इस भाषा की लिपि भाषा रह गई है और इस भाषा समुदाय के लोग जो है अभी तक अपनी लिपि विकसित नहीं कर पाए, इसलिए झगड़ा अब लिपि का है, रोमन या बंगला। तीसरे समुदाय वाले कहते हैं हमारी भाषा की लिपि अपना लो देवनागरी। तो अब ये तीन तीन लिपि के चक्कर में फंसी हुई है, वो सब तो एक मुद्दा बनकर रह गया है, लेकिन सच यह है कि हमें इस भाषा का विकास करना है। मैं अपनी भाषा की क्रिएटिव राइटर नहीं हूं, लेकिन हमारे भाषा के राइटरों ने, राइटर्स ने, लेखकों ने अपनी भाषा में अपनी संस्कृति को लेकर, अपने जीवन मूल्यों को लेकर, अपने इतिहास को लेकर जो अभिव्यक्ति दी है उसे मैं हिंदी में लाने का काम करती हूँ, क्योंकि मैं हिंदी की शोधार्थी हूँ, इसलिए पूरा काम मैं करती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं कॉर्पोरेट की एक कविता, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारा सभ्यता, हम सब उम्दा है, उस पर कोई सवाल नहीं, सबकी संस्कृति श्रेष्ठ, सबका जीवन मूल्य श्रेष्ठ, इन्हीं श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम मूल्यों को लेकर आज हम लोग अपने पैरों पर खड़े हैं। हमें तो कई चीजों से वंचित किया गया है, जैसे हमें वंचित किया गया है, देश के हर कोने में निवास करने वाले हर जनजातीय समुदाय को वंचित रखा गया है, पर हमारे अपने जीवन मूल्य, हमारी अपनी संस्कृति इतनी सुंदर थी कि हमने उस सुंदरता को कभी नहीं खोया, इसलिए आज भी हम सुंदर हैं। और जब भी भारतीय संस्कृति की बात होती है, भारतीय जीवन मूल्यों की बात होती है, देश के किसी भी कोने का व्यक्ति अगर इन पर बात करते हैं तो हमें कोई भुला नहीं सकते हैं। हमेशा हमारा ही उदाहरण कि इन जनजातियों का ये जीवन मूल्य हमें उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए, इनकी संस्कृति देखो ये है, हमें इन्हीं का अनुसरण करना चाहिए, हर कोई हर मंच से ये भी बात कहते हैं। लेकिन वंदना मैडम और पंकज सर झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति मंच, जो देश के सभी जनजातियों को और जनजातीय मंचों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है हमें इस मंच के द्वारा दो स्तरों पर काम करने की जरूरत है। एक, हमारे समुदायों में जो नए लेखक, नई पीढ़ी आ रहे हैं, उन्हें अपनी ही भाषा में लिखने के लिए प्रेरित करना। दूसरा, जिस भाषा में वे लिख पढ़ रहे हैं उन्हें, जिन्हें भी दूसरी, तीसरी, चौथी भाषा आती हो, उस भाषा में उस समुदाय के साहित्य को लाने का काम करने की आवश्यकता है, नहीं तो हम फिर से अपना ही रोना रोते रह जाएंगे कि हमारी भाषा को किसी ने पहचान नहीं दिया। दरअसल समय के साथ चलने की आवश्यकता आजकल महसूस की जाती है, क्योंकि किसी भाषा में अगर कोई साहित्य विकसित होता है तो उस भाषा को बोलने वाले या तो हजारों की संख्या में ही है,
या लाखों की संख्या में, बड़े समुदाय है तो लाखों की संख्या में है और बड़े समुदाय है तो करोड़ों की संख्या में है, पर फिर भी देश के हर नागरिक तक अपना इतिहास, अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों को पहुंचाने के लिए देश का हर नागरिक जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में उनके मूल्यों को पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सभी, मुझे जो मेरा जीवन का जितना भी अनुभव रहा है, हम सभी जनजाति क्या कहते हैं नई पीढ़ी, हमारे पुरखे सारे, हम तो बहुभाषी हैं, हम अपनी भाषा भी जानते हैं, आसपास की भाषा भी जानते हैं, देश की भाषा भी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी जानते हैं, केवल जरूरत है सही कलम उठाकर सही शब्दों में दूसरों तक पहुंचा देने की। आज तक लोगों ने अपनी भाषा में हमें आंकने की, हमारी पड़ताल करने की कोशिश की है, हमने अपनी चीजों को सही ढंग से दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। घर के बैठक खाने में बैठकर घर के सारे नजारों को देखते हुए, सारे कमरों का जायजा रख लेते हुए बाहर के लोगों को हम ऐसा है दिखाने में, घर की खिड़की से बाहर वाला कोई झांक कर देखता है और खिड़की से जो चीजें दिखाई दी उसे परोस देने में बहुत अंतर है। इसलिए हमें बैठक खाने में बैठकर अपनी भाषा और उनकी भाषा में बातों को पहुंचाने की आवश्यकता मुझे लगातार महसूस होती है। हर एक जनजाति लेखक, हर एक जनजाति आलोचकों से भी एक ही निवेदन है कि अब बारी है अपनी बात को दम के साथ दूसरों के सामने खड़े होकर रखने की। कोकोरक कविता का एक उदाहरण मैं रखना चाहूंगी और ये कविता मुझे बार बार प्रभावित करती है और प्रेरित करती है। 2011-12 में जब कोकोरक साहित्य पर मैं काम कर रही थी उस पर प्रोजेक्ट लेकर, तो एक कोकोरक की कविता मेरे हाथ लगी और उस कविता का मैंने हिंदी अनुवाद किया और कविता को पढ़ते ही ये केवल कोकोरक बोलने वाले समुदाय को ही रिप्रेजेंट नहीं करती है बल्कि इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी जनजाति समुदाय रहते हैं, जिसने जिस तरीके से भी संघर्ष किया और अपनी पहचान को बरकरार रखा, उन सभी संघर्षों को, उन सभी मूल्यों को यह कविता रिप्रेजेंट करती है। विजय देव वर्मा की कोकोरक कविता है, लौंतराई ने एकालव्य, ये हम अपनी भाषा में कहते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद है लौंतराई। लौंतराई पहाड़ का नाम है, त्रिपुरा के एक पहाड़ का नाम है लौंतराई के एकलव्य। हिंदी में ही सुना देती हूं मैं। एकलव्य, तुम्हारी हालत अभिमन्यु सी, अर्जुन कभी नहीं बनने देगा तुम्हें चेतवान गाछ। चेतवान एक पेड़ का नाम है, कोकोरक मिथकों में बहुत आता है। एकलव्य तुम्हारी हालत अभिमन्यु सी है, अर्जुन कभी नहीं बनने देगा तुम्हें चेतवान गाछ। अगर कहीं छू लिया तुमने आकाश तो झुक न जाएगा अर्जुन का सिर। निराकार से, शून्य से, जड़ पदार्थ से, सृष्टि के बीज से, अपनी साधना द्वारा तुम जितने ही सीख लो धनुर्विद्या, अर्जुन सदा तुम्हारा अंगूठा काटता रहेगा, क्योंकि इसके सिर पर एकाधिक द्रोणाचार्यों के वरद हस्त है। अर्जुन के आंगन में चांदनी मक्खन बिखराती है, द्वारों पर लक्ष्मी अपना कोष लुटाती है, सूर्य अपना उत्ताप उन्हीं की छतों पर बरसाता है, उन्हीं के लिए बिना के तार छेड़ती है सरस्वती। एकलव्य तुम्हारी हालत तो अभिमन्यु सी है, घिरे हो चारों ओर से, फंसे हो चक्र व्यूह में, तुम्हें पराजित करने को युधिष्ठिर और दुर्योधन, भूल अपनी शत्रुता एकजुट हो, बुनते हैं तुम्हारे लिए मृत्यु जाल।
एकलव्य क्यों चरना चाहते हो लंकराय की चोटी पर, वहां बांस के चोंगे में रखी है देशी शराब, एक बार चख लिया स्वाद तो सुलग उठेगी तुम्हारे आंखों में लाल साए, तुम आतुर हो उठोगे देखने को कंचनजंगा और टाइगर हिल से उगते सूर्य की छटा, आकाश में तैरते बहुरंगी बादलों के टुकड़ों के लुका छुपी, चाहोगे बना देना अजंता एलोरा खजुराहो के भित्ति चित्र। एकलव्य अर्जुन हिंस है, बहुरूपीय हैं, उनके पास नाना पोशाकें हैं, रास्ते के हर मोड़ पर ट्रैफिक सिग्नल, गलियों मोहल्लों कुर्सियों टेबलों गलियारों और लाल फीता शाही पर इन्हीं का कब्जा है, हर अवरोध पार कर यदि पहुंच भी गए लौंतराय की चोटी पर तो पाओ के एक झूठ को प्रतिपक्षी बन खड़े अर्जुन दुर्योधन और द्रोणाचार्य को जो एक बार फिर तुम्हारा अंगूठा काट देगा। हम जनजाति हर युवा पीढ़ी का यही वर्तमान हालत है, इसलिए बहुत ही समझदारी और बहुत ही साझेदारी बहुत ही सावधानी के साथ हर एक कदम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। खुलूंगा हम भाई।